मधुबनी पेंटिंग फैब्रिक पर बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये है फैब्रिक, प्लेन कुर्ता लिया है मैंने, शॉर्ट कुर्ती है। बटर पेपर, ये कार्बन पेपर है, ये चार कलर में मिलते हैं, येलो, ब्लू, ब्लैक, ये ऑफ वाइट है। और ये है कोई डिजाइन, जो डिजाइन आप बनाना चाह रहे हैं, ये बॉर्डर की डिजाइन है। इसे आप कुर्ते पर भी बना सकते हैं, कुर्ते के दामन पर, साड़ी के बॉर्डर पर और दुपट्टे के बॉर्डर पर भी इसे आप बना सकते हैं। स्केल, ब्रश, ये 1 नंबर और 0 नंबर का ब्रश इसमें इस्तेमाल होता है मधुबनी पेंटिंग में। पेन, ये कुछ फैब्रिक कलर्स, इसमें आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर का यूज़ होता है, बाकी आप अपने पसंद से कलर चुन सकते हैं। ये पेंस, और ये एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप फ्रेम लें या आप इस तरह का एक बोर्ड ले सकते हैं, जो बिना क्लिप वाला बोर्ड होता है वो आप लें। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से छोटी क्लिप्स की और एक न्यूज़पेपर की, साथ ही एक पुराना कपड़ा और थोड़ा सा मग में पानी। ये मैंने मधुबनी डिज़ाइन बनाई है इस पेपर पर। इसे मैंने बटर पेपर पर ड्रॉ कर लिया है अपने कुर्ते के साइज के हिसाब से, और ये हमारा कार्बन पेपर है, ब्लू कलर का है, ये भी इसी साइज का लिया है। ये हमारा कुर्ता है, इस कुर्ते के दामन पर यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन बनानी है, इसे ड्रॉ करना है पहले इस तरह से। इस डिज़ाइन को आप दुपट्टे पे बना सकते हैं, साड़ी के बॉर्डर पे बना सकते हैं, या आप चादर पर भी, चादर के कोनों पे चारों तरफ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैं इसे, ये शॉर्ट कुर्ती है, उस पर बना के दिखा रही हूँ आपको। बटर पेपर के नीचे हमने ये कार्बन पेपर लगाया है और इसे कुर्ते के दामन के ऊपर ऐसे रख दिया है। अब हम इस पिन के द्वारा इसे इससे अच्छे से टाँक देंगे, जिससे कि ये हिले नहीं, और फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप पिन लगा लीजिए चारों तरफ, जिससे कि ये कार्बन पेपर और ये बटर पेपर हिले नहीं, और फिर हम ड्रॉप करेंगे। ये हार्ड बोर्ड है, इसे हम इसके नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर फिर हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से काट दें। छपने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद हम इस पर कलर करेंगे।
यदि आपके पास फ्रेम है तो आप फ्रेम को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं और उस पर भी आप फिर पेंटिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं आप। इस तरह से आप उस पर लगा लीजिए डिजाइन पर फ्रेम को और फिर आप कलर कर सकते हैं। फ्रेम से हमें कम जगह मिल पाती है जबकि बोर्ड से हम पूरा एक इतनी जगह हम ले सकते हैं, ज़्यादा जगह ले सकते हैं एक ही बार में, इसलिए मैं ज़्यादातर बोर्ड का यूज़ करती हूँ। फैब्रिक पर कलर करने के लिए मैं फ्रेम का यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर, मैं बोर्ड का प्रयोग करती हूँ। तो बोर्ड को हम कपड़े पर कैसे बिठाएंगे बताती हैं आपको। बोर्ड के ऊपर एक पेपर लगाएंगे, न्यूज़पेपर इसी के बराबर नाप का ले लेंगे और फिर उसके ऊपर हम कपड़े को बिठा देंगे ऐसे। और फिर हम इसमें क्लिप लगा देंगे, इस तरह की क्लिप उसका यूज करेंगे। अच्छे से कपड़े को टाइट कर लेंगे जिससे कि कलर करते समय हमें परेशानी ना हो। अब हम इस पर कलर करेंगे। ये हमारी ब्लैक कलर से आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। अब इस पर अब हम इसमें कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर करेंगे, इसमें इसके अंदर और इस कलर से करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे कलर करें। इस मधुबनी में हम भरते नहीं हैं बल्कि इसे लाइन से कलर करते हैं, लाइन लाइनों के द्वारा।
आप डायरेक्ट भी डिज़ाइन बना सकते हैं पेंसिल के द्वारा। जैसे मुझे इस बाह पर डिज़ाइन बनानी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बीच में एक निशान लगा लूँगी और उसके बाद स्केल से उसके बराबर में लाइन खींचेंगे। आप बिना स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप यहाँ निशान लगाएं, फिर यहाँ से और इधर भी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगा लें और यहाँ आप एक और लाइन खींच लें। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगाएं। आप स्केल से या हाथ से भी अपने हिसाब से लाइन खींच लें। आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप निशान लगाते जाएं। यहाँ पे भी हम 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे इसके बराबर से एक लाइन और खींचेंगे। इधर भी एक लाइन खींचते हैं इसके बराबर से और फिर यहाँ पे इस तरह से लाइन बना, इस तरह से डिजाइन बना लें। इस तरह से पूरे में हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से हमने बिना छापे हुए पेंसिल से ही डिज़ाइन बना ली। ऐसी ही डिज़ाइन हम गले पे भी बनाएंगे।
इसी तरह से हम गले पर भी इसी तरह की डिजाइन बनाएंगे। ये गला है, देखो ये गला है, हम इस गले में निशान लगा देंगे और ऐसे दो लाइन बनाएंगे पहले बीच में। और यहाँ पे भी एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से हम निशान लगाते जाएंगे। निकालने से इस तरह से हम इसका गला गले पे डिजाइन बना देंगे और ये बाह पे डिजाइन बना लिए। इस तरह से हमारा ये कुर्ता पूरा तैयार हो गया मधुबनी पेंटिंग से। इस गर्दन के पीछे भी हमने इसे बनाया और ये देखिए बाहें पूरी इस तरह से हैं। गले पे इस तरह से हमने बिल बना दी। इसी तरह से आप दुपट्टे पर ये बिल बना सकते हैं, किनारे पे बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक दुपट्टा बनाया है जो, पर उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। इस तरह आप ये बिल बनाए यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है उसे अलग से छाप लें। फिर यहाँ पे बीच बीच में ये मैंने बूटियाँ भी बनाई हैं इसमें। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, इसमें बीच में मैंने सितारे भी लगा दिए। इसी तरह का काम आप साड़ी पर भी कर सकते हैं। कुछ आरी वर्क भी किया है मैंने इसमें और इसका मैं आपको कुर्ता दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये कुर्ता बनाया है। ये पूरा कुर्ता और प्लाजो का सेट है, 5 मीटर कपड़ा है इसमें। इसका जो फैब्रिक है वो ग्लेस कॉटन है और इसमें आप देख रहे हैं ये मैंने बॉर्डर इस तरह से बनाया और ये इसका गला इस तरह से ये बूटी बनाई है। यहाँ पे मैंने ये बाहें हैं, बाहें के लिए है। ये अभी काम इस पर बाकी है अभी अंदर भरने का। ये वाली एक बाहें पूरी बन गई है। इसी तरह से कुर्ते पर ये मेरा एक और वर्क है, आप देख सकते हैं किस तरह से किया गया है ये। वाइट ऑफ वाइट पर ये काम और ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है मल्टी कलर से। ये साड़ी पर वर्क है, आप देख सकते हैं। इससे आप आइडिया ले सकते हैं आप अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं कि कैसे डिजाइन बनाएं, हम क्या करें। ये इसका पल्लू है पूरा। मैंने इसके नीचे लेस लगा दी है और ये इसका बॉर्डर है।
ये पल्लू के ऊपर की साइड का है, ये नीचे आएगा। मधुबनी पर तो बहुत सारा काम किया है, अगर सभी दिखाना लगे तो 2-3 वीडियो बन जाएंगे।